बोलो 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 बोलो, तुम्हारी सांस मेरी सांस से मिल रही है, तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है, ये होता है अभिनय। कितनी प्यारी बातें करते हो तुम, कहां से सीखा इतनी खूबसूरत बातें करना? मैं तो दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर। सच्ची मैं भी तुम्हारी सांसों को वैसे ही महसूस करती हूँ जैसे कि तुम करते हो। एक बात, थोड़ी देर और मैडम सर पहुंच ही रही है। बोलो 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 बोलो। दीवाना सा हो गया हूँ तुम्हारे अंदाज का, तन मन में बिजलियां सी तड़क रही है। बोलो। मैं भी दीवाना हो गया हूँ तेरे अंदाज का, तन मन में बेड़ियां कड़क रही है। बिजलियां बिजलियां बेड़ियां नहीं, तन मन में बिजलियां कड़क रही है। ओके, जाओ जाओ जाओ, पूरी जगह चेक करें, जाओ पूरा हर जगह अच्छे से चेक करो। संतोष शर्मा, लोकेशन करेक्ट है ना? जी जी जी, एकदम करेक्ट है मैडम सर, लड़की सहारा उसी घर के अंदर है। ओके, पर मैडम सर एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जल्दी कीजिए, यहाँ पे पुष्पा जी अपने अभिनय का बांध तोड़ रही हैं। गजब गजब यार, हम सब लोग यहाँ पर कैसा कैसा पागलपना करने में लगे, संतोष कितना फोकस करके काम कर रही है। संतोष जी आप ऐसे क्यों बनना डिजर्व करती है। हो गया पुष्पा जी, देखो वो सब ठीक है, बिजलियां तो यहाँ भी गिर रही है, अरमानों का तूफान तो यहाँ भी उमड़ रहा है। बाबू बिल में घुसोगे क्या? दे दे दे। सुनो सुनो सुनो, इकबाल को बोलो बात करता रहे, कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू बोल बोल बोल। बस अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, तुमसे दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। बोल बोल। पुष्पा जी रोमांस कम प्रतिशोध ज्यादा लग रहा है। अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। बिल्लू कहाँ है? बिल्लू इज हियर, बिल्लू हियर। यही अंदर लड़की, सब कुछ चेक किया अच्छे से? सब कुछ अच्छे से चेक किया, मेरा 20 साल का चोरी का एक्सपीरियंस कर रहा है, कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं है, बस विंडो है, लेकिन विंडो के ऊपर आयरन का ग्रील लगा हुआ है, मजबूत है, तो नो चांस फॉर एस्केप। एस्केप? ओके, अब आप दोनों छुप जाइए, हम अंदर जा रहे हैं। चाहिए 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 चाहिए। ओके। अब ओके रखती हूँ जान, लगता है पापा आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारे पापा की। क्या मतलब? हमारी भी अम्मी आ गई, हम रखते हैं, बाय। ठीक है, ओके बाय बाय। ये होता है अभिनय। ऐसा लग रहा था नागिन बदला लेने वाली है। पुलिस? हाँ सहारा बेबी, सहारा नेटवर्क पकड़ो तुम्हारा। हेलो सहारा बेबी, सहारा खुड़ी। हेलो, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं रे। लगता है गई।
तोड़ के। बोले थे ना हम, बोले पुष्पा जी जब ऐसे प्यार का इजहार करवाइएगा तो लड़की का बोलती तो बंद ही हो जाएगा ना। हम पहले बोले थे घबरा के भागेगी। अरे कहीं नहीं भाग जाएगी, आ जाएगी वापस। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम पर भरोसा रखो। नहीं मैडम सर, फोन की लोकेशन मूव हो रही है और आपकी जीप की तरफ आ रही है। क्या फोन जीप की तरफ कैसे जा सकता है? करिश्मा सिंह आप जीप के पास जाइए और संतोष शर्मा को फोन करिए। जल्दी 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 जल्दी। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ यस प्लीज आइए जी। आप यहाँ इस तरह से कैसे? आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? 19। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कोई लड़की थी क्या? लड़की? मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अच्छा, माँ बाप कहाँ है? माँ बाप गाँव में रहते हैं। और ये जो घर है ये किसका है? ये घर मेरा है, मैंने खरीदा है मेरे नाम पे। अच्छा, संतू वो तो वापस अपना जीप के पास आ गए हैं। करिश्मा मैडम फोन की लोकेशन जीप के पास ही दिखाई दे रही है। क्या बात कर रही हो? तो यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं क्या गड़बड़ है, फोन एक्टिव है, एक बार से कनेक्टेड है, एक बार जरूर है, एक बार जो भी पूछा लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। हमारा लड़की है या भूत जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। संतु सहारा जो है ना वो हमको मिल गई है, वो भूत ही है। हा? हवा में जो है ना वो हवा में घूम रही है। यही है तुम्हारी सहारा। लेकिन ये तो मोबाइल है, बॉडी कहाँ है? मटोपा होगा, दिखाई नहीं दे रहा। चूरन बना के चली गई है वो लड़की हम सबको, गुब्बारे से बांध दिया उसने ये फोन। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने खुद अपने कानों से एक लड़की की आवाज सुनी थी और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था, लेकिन अंदर गए तो सिर्फ बॉबी था और कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मैडम सर, हमको ऐसा लग रहा ना ये जो बॉबी है ना यही सारा गड़बड़ कर रहा है। आप हमें परमिशन दीजिए, हम खींच के लाएंगे उसको यहाँ पे, दो चार कंटाप झड़ेंगे ना अपने आप सच उगल देगा। बता रहे हैं आपको ये बॉबी ही गड़बड़ कर रहा है, हम बता रहे हैं आपको। लग तो ऐसा ही रहा है। आपने कहा था ना बॉबी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो मैंने सोचा अभी आके बता दूं। बताओ। वो 10वीं फेल है और सोर्स ऑफ इनकम एकदम जीरो है, फिर भी महंगे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है, लाइफस्टाइल जो है वो एकदम फिल्म स्टार की जैसे है, और लैविश पार्टीज थ्रो करता है और खूब सारे पैसे उड़ाता है। देख रही है ना पुष्पा जी, देख रही है ना, इतना साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब तक एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने तक का पैसा नहीं जोड़ पाए। भाई पार्टी थ्रो कर रहा है, महंगा कपड़ा पहन रहा है, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है ना संतु जी। अब जीते क्या ही बताए हम तुमको, हमारा लल्ला बेचारा दिन रात मेहनत करता है, अकेला बहुत मेहनत करता है, कोलू के बैल की तरह मेहनत करता है, मगर एक सेकंड हैंड तक गाड़ी नहीं खरीद पाया बेचारा। और हम, हमारे पगार के तो बारे में पता ही है सबको, हम भी चाहकर भी नई गाड़ी खरीद पाते ना। एक सेकंड पुष्पा जी, आपको गाड़ी की क्या जरूरत है, आप तो करिश्मा मैडम के साथ आते हो ना। मैडम के साथ उसे आना जाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो मौत के कुएं में खेलना कहते हैं। दो चार पैसे बचाने के लिए हम इनके साथ आ ही जाते हैं, मगर तुमको पता है हर वक्त लगा रहता है कि अब गए तब गए, पता नहीं कब यमराज साक्षात अपना दर्शन दे दे हमें और अपनी गोदी में उठा के लेके जाए।
नहीं तो पुष्पा जी हम क्या मिठाई और शॉल लेके आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं क्या? आइए पुष्पा जी हमारे बाइक पे चलिए हमारे साथ, खुद ही आती है ना आप। अरे हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इनको सब पता है फिर भी पूछते। वो मैं रद्दी के पेपर लेने आया था। सर आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आता हूँ। मटन बिरयानी खा कर आए हैं, चाय नहीं पियेंगे। और करिश्मा जी हमने एक आपको काम सौंपा था, वो चोरी का केस, क्या नाम था? शालिनी सर। हाँ शालिनी, क्या हुआ उसका? वो दरअसल सर सर वो अरे होगा क्या, अरे थाने में कायदा कानून अनुशासन है कि नहीं? ये कैदी जहां मना है यहां वहां घूम रहा है। आप लोग वो वादी के पास तफ्तीश के लिए गई थी, वहां पे हा हा ही हू करके वापस आ गई, आखिर चल क्या रहा है? सर ऐसा नहीं हुआ था, हम बताते हैं। हुआ ये था हम कि कुछ नहीं जानते। आज शाम तक इस शालिनी वाले चोरी केस का मामला सुलझाइए और हमें रिपोर्ट कीजिए। जय हिंद। ओके, डीएसपी सर के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, हमें आज शाम तक रिपोर्ट देनी ही होगी। करिश्मा सिंह जी, कैलाश को अरेस्ट करके लाइए। का? हाँ, उसने गलती की है, उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी चुराई है और वो अपराध है और इस चीज की सजा उससे मिलनी चाहिए। सो प्लीज गो अरेस्ट हिम। हमको तो समझ में नहीं आता मैडम सर, कभी कहती बीवी को सच नहीं बताना है क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन में, अब आप कह रही हैं कि गिरफ्तार कर लें मैडम सर। हाँ लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये बात कैलाश को खुद अपनी बीवी को बतानी चाहिए, उसने किया ऐसा नहीं ना, तो फिर अब वो सच्चाई बताएगा, प्लीज लेकर आइए उसे। पर उससे क्या होगा मैडम सर? उससे दो चीजें होंगी, एक सच्चाई सामने आते ही हो सकता है उन दोनों के बीच का रिश्ता और भी बेहतर और मजबूत हो जाए, और दूसरा सबसे जरूरी, सोनिया को हम पकड़ लेंगे, ये केस सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैडम सर? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जितना कह रहे उतना प्लीज कीजिए, लेकर आइए कैलाश को। ये क्या बोल रही है आप मैडम, कैसा न्यूज है ये? अगर ये बात शालिनी को पता चली ना तो सीधा सीधा भूकंप आएगा मेरे गृहस्थी पर, और वो भी हाईएस्ट रिक्टर स्केल पर। मैम शालिनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरा घर टूट जाएगा। ये तब नहीं सोचा था जब उस लड़की के साथ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे तुम, तेरे आंखों की ये बेपरवाह गुस्ताखियां, तब तो शाहरुख खान चिरमिरा रहा था तुम्हारे अंदर, तब नहीं सोचा था बीवी को कैसा लगेगा। प्लीज मैडम अब बस कीजिए, हो गई ना मुझसे गलती, अरे मौसम भी इतना धोखा नहीं देता है, हम तो फिर भी इंसान है मैम। नहीं मैम, मैं शालिनी को ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, और आप लोग भी प्लीज उसे कुछ मत बताइए, प्लीज मैम अगर आप बता दें तो। कैलाश रिलैक्स, भरोसा रखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बात सुनो। एक औरत जो है आंखों में ईमानदारी सच्चाई और बेईमानी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, अगर ये बात तुम्हारी बीवी को किसी और से पता चली तब तो वो तुम्हें घर के अंदर ही नहीं आने देगी, लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ आंखों में आंखें डालकर उसे सब कुछ सच कहोगे ना तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी और तुम्हें माफ कर देगी। मैम, मैं ऐसा क्या करूं, कैसे माफी मांगू उससे? उसका टेंशन तुम मत लो, है ना चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, वो है आपकी मदद करेगा, वो आपको बताएगा कि बीवी से जो है वो माफी कैसे मांगना है। क्यों चीते? जी मैडम जी। क्या हुआ मम्मी? चीची पापा, मुझे माफ कर दो शालिनी, हो गई है मुझसे बहुत बड़ी गलती। अरे मैं तो हूँ बादल आवारा, मौसम का मारा, जिसे मैं समझ रहा था रिमझिम बारिश की। फुआर फुआर फुआर, वो निकली बाढ़ की मार मार, दिल से हो गई ये गुस्ताखी, अब तो माफ कर दो ना यार। कर दो ना माफ, देखो बेचारा कितना पछता रहा है। हाँ मुझे लगता है आपको माफ कर देना चाहिए, वो क्या है इनकी आंखों का लीकेज देख के मुझे मेरे क्वार्टर के नल के लीकेज की याद आ गई, तो मैं समझ सकती हूँ। रोइएगा मत संतोष,
रोइएगा मत। माफ कर दो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry. एक शर्त पे साबित करो कि तुम्हें अपने किए पर वाकई अफसोस है और तुम मेरी माफी के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या करूं मैं? तुम बोलो क्या करूं मैं? खुद सोचो। ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास बैठेगा। अब देखो। रे रे रे। क्या कर रहे हो? बस करो, लग जाएगी तुम्हें चोट। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए उसे। भाभी जी माफ कर दीजिए। भाभी माफ कर दीजिए, मर जाएगा। कोई रोको उसे। थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन्हें माफ कर दिया, वरना आज तो ये खंबा उखाड़ ही देते। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ भटके थे, बिगड़े नहीं। और अब हमें उस इंसान को पकड़ना है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, सोनिया। और उसे पकड़ने में सिर्फ आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? कैसे? हम प्लान समझाते हैं। क्लियर? ओके गुड। करिश्मा सिंह जी, आपका काम है किसी भी तरीके से बॉबी को थाने में लेकर आना, बाकी काम ये दोनों संभालेंगे। जी मैडम सर, हम बिल्ले के साथ जाएंगे और एक फर्जी केस बनाएंगे और अकड़ कर लाएंगे उस बॉबी को। तुम्हारी वजह से तुमने ठोका है मेरी स्कूटी को, डैमेज का पैसा निकाल। बालों के साथ आंखों की रोशनी भी चली गई क्या? मेरी गाड़ी ठुकी है, डेंट पड़ा है। इसको डेंट पड़ा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और देखो बालों के बारे में चर्चा नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं। ऊपर वाले के नजर से मेरे बाल हल्के हल्के तो है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे बालों पे पड़ी ना तो तुम एकदम शकल हो जाओगे, समझे? तुमने ठोका है, पैसे निकल डैमेज की। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चोर नहीं हूँ। तो कौन? मैं चोर हूँ। अरे खानदानी चोर दिखता तू। खानदानी चोर? ये ज्योतिष है क्या? वो छोड़, मेरे डैमेज के पैसे निकल। मैं चोर नहीं हूँ। इसने ठोका, आपने मुझे क्यों ठोका? सड़क पर दंगा कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसको भी मारो। चुप। मुझे क्यों? दोनों के दोनों दंगा कर रहे हैं ना सड़क पे, वो भी पुलिस के सामने। चलो दोनों जेल, जेल चलो। अरे ये कर रहा था मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने जिसको ठोका है चलो जेल में लिखेंगे। इसने ठोका है? मैंने नहीं ठोका है। आप मुझे ही ठोक रहे हो क्यों? चलो डालिए इन दोनों को अंदर, डालिए। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा चाहिए अभी के अभी। तुम जानते हो बब्बन डाउन को? जानते हो क्या? एक मिनट कर, अनपढ़ आदमी पेपर पढ़ता तो इसको पता रहता, कौन नहीं जानता है बब्बन डाउन को? अरे बब्बन डाउन का इनकाउंटर तो मैडम ही की थी ना। हाँ, और वो ऐसे ऐसे तड़प तड़प के मर गया था मेरे सड़क की नजर में। लेना था? देना था। देख रही है मैडम, देख रही है ना, इसको पूरा अंडरवर्ल्ड से कर्जा खा कर बैठा हुआ है। अरे कर्जा बिरजा छोड़ो, मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा अभी क्या भी दो। तेरे मर मत। बस अब एक और आवाज निकलाना तो मैया कसम हवाई जहाज बना देंगे दोनों का। अंदर डालिए इनको चीते। कानून डालो अंदर। ऐसे नहीं डालो, जाओ ना यार, जाओ ना। मेरे स्कूटी के डैमेज के पैसे निकाल। अरे मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सोई है। कहाँ है मेरा वो धोखेबाज पति? हाँ कहाँ है? पुष्पा जी यही तो है। अरे हाँ अंदर है अंदर। अपने घर को लूटकर किसी और डायन का घर भर रहा है। देख रहे हैं ना, बेशरम बेहया और बकार आदमी।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ मैडम, मैं आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। चोरी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त मुझे क्या पता था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अयाश पति है। वहाँ अंदर है तुम्हारा वो धोखेबाज पति जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी को इतना धोखा दिया है। अरे मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। हाँ अब तो तुम बोलोगे ही ना, कोई और जो मिल गई है तुम्हें। हाँ मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी का सदाबहार मौसम अब सिर्फ सोनिया है। वही है मेरा सच्चा प्यार, वही है मेरी रिमझिम बारिश, वही है मेरे दिल की पुकार। मुझे उससे वो प्यार मिला है जो मुझे प्यार तुमसे कभी नहीं मिला। अच्छा तो फिर कहाँ है वो? मैं भी तो देखूं कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं उसमें जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है। या शो मी द पीक ऑफ सोनिया। अरे उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट की वारदात का पिक दिखाओ। अरे ये तो चोर ऊपर से लॉकअप पे बंद है, ऊपर से पुलिस की तरह तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये मुझे नहीं जानता। भाभी जी धोड़ा ले धोड़ा। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उसे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा।